हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज हम क्लास सेवन्थ का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर देन उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q does not equal to zero is called रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि रैशनल नंबर की, पहले तो मुझे पढ़ना है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखो, रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो। शर्त ये है कि उसमें q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। q जो नीचे वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है सब सही है, बट शर्त यह है कि नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर जीरो आएगा तो नंबर वो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि जिसे आप गिन नहीं सकते, क्योंकि 1/0 या समथिंग अपॉन जीरो जब आता है तो वो नंबर कभी काउंटेबल नहीं होगा, जिसे आप गिन नहीं सकते बोल सकते हैं सब। तो इस वजह से वो रैशनल नंबर की सीधी डेफिनेशन ये है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 1/2। क्या 1/2 रैशनल है? बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे 2 नीचे 0 नहीं है, शर्त यह है कि ऊपर p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होना चाहिए। और -3/2 ये भी रैशनल है, 1/7 ये भी रैशनल है, 3 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे हम इसके क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ 0/5, बिल्कुल ये भी रैशनल है क्योंकि 0/5 है तो 5/ में तो है p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी रैशनल है। बट अगर मैं बोलूँ 5/0, ये रैशनल नहीं है क्योंकि शर्त यह है कि q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रैशनल नहीं होगा, बाकी सब इस तरह से ये एग्जांपल हैं कुछ। तो अब रैशनल नंबर के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। अब ये ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर ये है कि हम रैशनल नंबर किस तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बॉड मास रूल और कई अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें अप्लाई हो सकती हैं, तो वही चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। इसमें करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला था ऑपरेशन और रैशनल नंबर का मतलब है कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये एक्सरसाइज वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको एडिशन करना है। ये छोटी क्लास का क्वेश्चन है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर देखिए नीचे का नंबर सेम है, तो आपको पता है कि अगर नीचे का नंबर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम ऑफ 7 आएगा कितना, 7.7 जो है 7 ही आने वाला है। तो इसलिए हम इसका एलसीएम एक लंबी लाइन खींचेंगे और इसमें 7 लिख देंगे, और 7 के टेबल में 7 कितनी बार आता है, 1 टाइम्स, तो 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से यहाँ भी, तो 2 + 7 के टेबल में 7 कितनी बार आएगा, 7 के टेबल में 7 फिर से 1 बार आएगा, और ये भी 1 बार, तो 5 + 5, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1। अब हम एक चीज़ सीख गए हैं कि जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमने क्या करना है, सीधे उसको एलसीएम ले लेना, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे इसमें एलसीएम डायरेक्ट 9 आएगा तो 9 × 9, तो 1 से यहाँ ही मल्टीप्लाई, यहाँ भी, तो ये माइनस का 5 + 9 × 9 और 7 × 7, तो 7 में से 5 गया तो 2/9 क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 2 + 22 और 3,
ये हो जाएगा 25, पहले मिक्स को प्रॉपर फ्रैक्शन में लेंगे, 11 टू जा 22 और 3 25 अपॉन 11, फिर प्लस माइनस, जब कभी भी दो साइन एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई वैल्यू ना हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 9 अपॉन 11, एलसीएम लेंगे 11 आ जाएगा, 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, इसके बाद और आगे देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने तीन पार्ट कर दिए थे, अब इसके जो नेक्स्ट तीन पार्ट है वो बोर्ड पे देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमें एलसीएम 4 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5 प्लस का 5, 5 में से 5 गया 0 अपॉन समथिंग 0, 0 के अपॉन में अगर कुछ नंबर आता है तो हमेशा 0 आएगा। उसके बाद इसको भी चेंज कर लेते हैं, 6 टू जा 12 हो जाएगा, 12 पता ना मिक्स को पहले प्रॉपर में चेंज करना है, तो 6 टू जा 12, 12 और 5 17 अपॉन 6 माइनस, प्लस माइनस माइनस 13 अपॉन 6, इसका भी अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ये प्लस माइनस माइनस, अगर कोई साइन अपॉन में है तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 वन जा 6 माइनस 17 माइनस का 13, पता है ना माइनस माइनस क्या होता है, अगर सेम साइन होते हैं तो वैल्यू ऐड होती है, जैसे प्लस प्लस साइन होता है तो वैल्यू प्लस होती है, वैसे ही अगर माइनस माइनस साइन है तो भी वैल्यू ऐड होगी, माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 30 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस का 17 और 13 ऐड होके 30 हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स तो आंसर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 आंसर हो जाएगा इसका। इसको सॉल्व करोगे इसका एलसीएम डायरेक्ट 3 आ जाएगा, 3 वन जा 3 ये माइनस का 21 और ये 18, इसको माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 21 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 3 अपॉन 3, याद रखिएगा चाहे वैल्यू साइन एक जैसे हो या साइन अलग अलग हो, दोनों केस में साइन बड़े का आता है, बड़ी वैल्यू का, तो इसलिए 21 बड़ा इसका साइन, माइनस 3 से 3 कैंसिल माइनस 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने देखा था कि हमारे जो बेस थे वो सब एक जैसे थे, तो इसलिए मैं बिना एलसीएम सॉल्व किए डायरेक्ट लिख ले रहा था। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है सब में आप देख रहे हैं कि बेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 9 और 4 का, तो 9 और 4 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। हमें एलसीएम निकालेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि छोटे नंबर से करें, 3 है तो 3 3 जा 9, फिर 4 नहीं आएगा इसके नंबर में तो ऐसे ही लिख देंगे, 3 वन जा 3 फिर 4, फिर 2 से करें 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 9, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना 36, तो पहले की तरह एक लंबी लाइन खींच के यहाँ पे एलसीएम लिख लेंगे हम कितना 36, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से इस 36 को डिवाइड करेंगे, 9 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, 9 के टेबल में 36 हमें पता है 9 4 जा 36, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो इस 4 4 जा कर लो मल्टीप्लाई 16 प्लस ये वाला प्लस, फिर इस 4 के टेबल में जैसे हमने 9 के टेबल में चेक किया था अब हम 4 के टेबल में 36 चेक करेंगे, तो 4 9 जा 36, तो इसको 9 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, बस अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 7 और 6 और 1 6 और 3 सॉरी 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 अपॉन में आ जाएगा 36, इसके बाद चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहीं छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 और 5 के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ किसका 8.5, 8 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5 8 है तो 8 से ही कर लो, 8 5 जा 40, तो इसका मेरा एलसीएम आ गया 40, 40 आने के बाद 8 के टेबल में 40 कितनी बार आता है वो चेक करेंगे, तो 8 के टेबल में 5 टाइम्स, तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ भी, तो 5 5 जा 25, और 5 के टेबल में अब जैसे हमने 8 के टेबल में 40 चेक किया तो वैसे ही हम 5 के टेबल में चेक करेंगे 40 कितनी बार आता है, तो 8 टाइम्स, तो 8 से यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर लें और लिखेंगे ऊपर वाला 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 40 आंसर, 25 में से 24 माइनस कर लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 63 और ये 7 है, 63 और 7, 63 और 7 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 63 और 7 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 63 और 7, 63 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 7 से अगर आप करेंगे तो 7 9 जा 63,
सेवन से करेंगे तो सेवन नाइन जा 63 और सेवन वन जा 7, फिर नाइन से कर लें नाइन वन जा 9, तो एलसीएम वही आने वाला है 63। या इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसा नंबर, मतलब इन ऐसा नंबर सोचिए जो इन जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो, तो 63 ही नंबर है, 7 के टेबल में भी आता है और 63 में तो 63 आता ही है। तो 63 वन जा 63, इसको 1 से करेंगे तो 10 वन जा 10 प्लस 7 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है, 7 के टेबल में 63 जो है वो 9 टाइम्स आता है, तो 9 से यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो 9 सिक्स जा 54, 54 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर और मैंने सेकंड यहाँ पे लिखा है, 11 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 11 4 जा 44, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 44 आ जाएगा। 11 के टेबल में 44 कितने टाइम्स आता है, 11 4 जा तो 4 से यहाँ ही मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ भी, तो 7 4 जा -28 प्लस 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 44, 11 टाइम्स तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28 में से 11 माइनस करेंगे, बड़ा 28 है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा साइन, बड़े का साइन 28 का, और माइनस करोगे तो माइनस का 17/44। स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं एक बार अच्छे से, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हैं मुझे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना है, और आगे वैरायटी देखते हैं क्वेश्चंस की। अब स्टूडेंट्स इसी पार्ट के दो और क्वेश्चन बाकी हैं तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 64 और 16, तो 64 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालें, 4 से कर लेते हैं या 16 से ही कर लो क्योंकि उसमें आता है 16 4 जा, ये 1 और ये 4 है तो 4 1 जा 4। आप कोशिश करें कि आप इनको छोटे नंबर से करें, ठीक है, एलसीएम ही निकालना है तो 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 लिख दिया है मैंने, तो 64 के टेबल में 64 कितनी टाइम्स आएगा, 1 बार, तो 7 1 जा 7, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, और मैंने बताया ना कभी भी अगर डिनोमिनेटर में साइन दिया तो उसको ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 16 के टेबल में 64 4 टाइम्स आता है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 और 7 ऐड कर लीजिए, माइनस का 19/64, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो ये आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है इसका 12 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे, 12 और 20 का एलसीएम 4 से कर लेते हैं, 4 3 जा 4 5 जा, फिर 3 1 जा 3, 5 है तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, तो 5 3 जा 15, 4 जा 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 60 एलसीएम निकालने के बाद, तो 12 के टेबल में चेक करेंगे 60 कितने टाइम्स आता है, 12 के टेबल में 60, यहाँ पर अगर देखेंगे 12 के टेबल में 60 जो है वो 5 टाइम्स आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 20 के टेबल में 3 बार आएगा तो 3 से यहाँ भी और यहाँ भी, तो 9 3 जा 27, अब ये प्लस का है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 2/60 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें दो नंबर का एडिशन जब हम करते हैं तो, और एडिशन में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम x प्लस वाई मतलब 3+2 करो या 2+3 करो तो आपको रिजल्ट 5 मिलने वाला है, तो ऐसे ही रैशनल नंबर में आपको चेक करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट में आपको दिया है x की वैल्यू दी है इन्होंने 5/7 और y की वैल्यू दी है इसमें माइनस का 3/2, तो इसमें आपको चेक करना है, तो आप क्या करें जो ये वेरीफाई करना है इसका, पहले LHS पार्ट मान लें, लेफ्ट हैंड साइड है तो LHS हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5/7 प्लस y की वैल्यू मेरे पास कितनी है माइनस का 3/2, इसका LCM जो अभी किया था वही सब कुछ करना है, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे 14 आएगा, तो 7 के टेबल में चेक कर ले 14 कितनी बार आता है, 7 2 जा 14, तो 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी, तो 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस। उसके बाद देखेंगे 2 के टेबल में 14 कितनी बार आता है 7 बार, तो 7 3 जा हो जाएगा 21, माइनस करेंगे 21 में से 10 को तो बचेगा माइनस का 11/14, ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से हम इसका RHS ले सकते हैं। इसका RHS यहाँ देखेंगे, RHS हमारे पास कितना है, इसका y प्लस एक्स है ना, RHS इसका y प्लस एक्स है, तो x की वैल्यू y कितना है मेरे पास, माइनस का 3/2 और प्लस x कितना है 5/7, सेम करना है वही LCM फिर से वही आएगा 7×2=14, तो 2 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 7 बार, तो 7 से यहाँ भी, 7 से यहाँ भी, तो 7×3=21 माइनस का प्लस ऐसे ही है कैसे ही, और 7 के टेबल में 14 आएगा 2 टाइम्स, तो 2 से ऊपर नीचे 5×2 कर लेंगे 10, माइनस करेंगे 21 में से 10, तो माइनस का 11/14 हमारा आंसर। तो जो LHS का आंसर आया और जो RHS का आंसर आया दोनों सेम है, तो इसलिए लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, वही चीज़ है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया, जो क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया, वही आपको करना है। पहले LHS पार्ट के LCM लेके सॉल्व करना है, फिर RHS को। हाँ, इसमें अगर आपको बोला है वेरीफाई, तो इसका मतलब आंसर हमेशा वेरीफाई होगा वो, ठीक है। तो इस चीज का हमें इसमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू दी है, सेम वेरीफाई करना है x प्लस y। x की वैल्यू मेरे पास 5 है और y की वैल्यू मेरे पास 3/2 है। इसका LCM लेंगे, पहले की तरह 2 आ जाएगा LCM, तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5×2=10 प्लस 2 के टेबल में 2 कितनी बार आएगा, 1 बार, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 3 हो जाएगा, और 10 और 3 13/2, चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दें। RHS पार्ट है y प्लस x, RHS पार्ट वेरीफाई जो करना है, तो y पहले लिखेंगे, y की वैल्यू 3/2 है और x हमारे पास कितना है 5, LCM लेंगे, फिर वही पहले की तरह 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 1 बार आएगा, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 के टेबल में 2 बार आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5×2=10, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/2, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, इसके दो पार्ट बचे हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, आगे देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और इस प्रॉपर्टी का जो नाम है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले एक्स वाई जेड है, और पहले ब्रैकेट जो है एक्स प्लस वाई में लगाया गया, और फिर बाद में जो नेक्स्ट RHS पार्ट है उसमें एक्स प्लस वाई में लगाया गया। ठीक है, तो बॉडमास रूल ये कहता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के लिए पहले हम इसमें LCM लेंगे, तीनों का एक साथ LCM नहीं ले सकते क्योंकि ब्रैकेट है बीच में, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। तो पहले LHS पार्ट ले लेते हैं, LHS है x प्लस y प्लस z है, तो इसमें x की वैल्यू डाल देते हैं 3/4, y की वैल्यू हमारे पास 5/6 और z की वैल्यू है माइनस का 7/8। इसका अगर आप LCM लेंगे, पहले इन दोनों का 6 और 8 का LCM अगर आप लेंगे, तो 6 और 8 का LCM लेंगे तो 2 से करेंगे 3/2 से 4 बार, फिर 3 से कर लेंगे और 4 बन जा 4, तो 4×3=12, 12×2=24, 24 एक नंबर ऐसा है जिससे ये जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, तो 6 के टेबल में जो भी जैसे कर रहा था सेम वैसे ही करना है, 6 के टेबल में 24 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, तो 4 से यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो 5×4=20 प्लस माइनस माइनस, और 8 के टेबल में 24 कितनी बार आता है 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से यहाँ भी, तो 7×3=21 हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 21 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/24 हो जाएगा। उसके बाद इसका फिर से LCM लेंगे तो 4 और 24, क्या 4 के टेबल में 24 आता है, तो इसलिए इसका LCM भी कितना हो जाएगा 24 ही ले लें LCM। ठीक है, तो 4 के टेबल में 24 6 टाइम्स, तो 6 से यहाँ भी और यहाँ भी, अब इन दोनों के बीच में LCM ले रहे हैं हम, 6×3=18 प्लस माइनस माइनस, और 24 के टेबल में 24 1 टाइम्स, तो ये 1, तो आंसर आ गया मेरा 17/24। अब हम इसी तरह से चेक करेंगे किसको, RHS को। RHS भी है हमारे पास, RHS में डायरेक्ट वैल्यू डाल लेते हैं, पहले लिखा है x, तो x की वैल्यू 3/4, फिर y है मेरे पास 5/6 और z की वैल्यू है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डायरेक्ट कर लो, प्लस माइनस माइनस का 7/8, बात सुनिए कैसे किया मैंने, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 7/8।
ठीक है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। पहले इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 6 और 4 का वही एलसीएम, 6 और 4 के बीच में ऐसा कोई नंबर आता हो तो 12 ले सकते हैं हम, 12 एलसीएम ले लेंगे इसका, क्योंकि दोनों को डिवाइड करता है। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो 3 से ऊपर नीचे, तो 3 जा 9, फिर प्लस 6 के टेबल में 12, 6 के टेबल में 12 आएगा 2 टाइम्स, तो 2 से यहाँ भी, टू यहाँ भी, तो 5 2 जा 10 माइनस 7 बाई 8। आगे और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 9, 19 अपॉन 12 माइनस का 7 अपॉन 8। इसका एलसीएम लेंगे 12 और 8 का, तो कितना आ जाएगा 24, 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स हो जाएगा, 19 2 जा 38 माइनस 8 3 जा 24, तो 3 से करेंगे 7 3 जा 21, इनको माइनस कर लेंगे तो 17 अपॉन 24, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों पार्ट एलसीएम लेना है, पहले ब्रैकेट के एलसीएम लेना है, देन फिर ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ एलसीएम लेके सॉल्व करना है बस उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आज फिलहाल इसमें इतना ही रखेंगे, कल मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके काम आ सके वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।